就包在捧上 into 捧上 into into 捧上肯定包在 on the 切币 polon on the 切币 polon इनका परिभाषा लिखिए ये फंक्शन f such that a to b f such that a to b is said to be into function if range f domain co domain co domain या ये चीज नहीं लिखना चाहेंगे ना तो इनको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ये जो range f होगा ये b का क्या होगा सबसेट होगा अब देखिए इसी कड़ी में जो है चौथा डेफिनेशन जो होता है वो होता है आपको इनटू फंक्शन इनका एनडी क्या होता है अंतःक्षेपी फलन तो देखिए इनका डेफिनेशन इस प्रकार से है कि ये फंक्शन f such that a to b is said to be इनटू फंक्शन इफ रेंज एफ सबसेट समझ गया ना इसको प्रॉपर सेट बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं प्रॉपर सेट तो ये सबसेट ही प्रॉपर सबसेट तो ये आपको क्या हो गया सबसेट ही हुआ तो प्रॉपर सबसेट क्या हो गया को डोमेन या रेंज एफ प्रॉपर सबसेट क्या हो गया बी देखो इनका हिंदी क्या हो गया एफ ए से बी में अंतःक्षेपी फलन कहे जाते हैं यदि एफ का परिसर एफ कोडोमेन आपको उपसमुच हो कोडोमेन का तो अब यहाँ पर उपसमुच आ गया ना तो बोलो उपसमुच किसे कहते हैं सबसे यदि प्रत्येक एलिमेंट बी में हो तो कौन उपसमुच होगा ए होगा कि बी होगा ये लड़का जो बोला ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में तो सबसेट ए होगा कि सब बी होगा सबसेट बी मारेंगे एन होगा ए का प्रत्येक एलिमेंट बोल रहे हैं जैसे ए में जो है एक दो तीन हो गया ना उसके बाद ये बी में क्या हो गया एक दो तीन चार हो गया ना अब देखिए ए का जो है प्रत्येक एलिमेंट किसमें है बी में है ना तो सबसेट कौन होगा ए होगा सबसेट इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं समझ गया ना या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं तो ए का प्रत्येक एलिमेंट किसमें हो बी में तो यहाँ पर देखो इक्वल टू जो रहता है तो इसका अर्थ हो जाता है कि एलिमेंट बराबर भी हो सकता है लेकिन इसके लिए देखिए यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगाएंगे इक्वल टू अगर लगा दिया तो बराबर हो गया लेकिन ये कह रहा है क्या होना चाहिए प्रॉपर सबसेट क्या होना चाहिए यानी आपको जो है कि हमेशा कोडोमेन में जो है रेंज से ज्यादा एलिमेंट होना चाहिए कोडोमेन में रेंज से ज्यादा एलिमेंट होना चाहिए एग्जाम्पल लेते हैं समझ जाओगे देखो जैसे हम दो सेट ले लेते हैं ए और बी एफ ए से बी में क्या है फलन है ना तो इसमें एलिमेंट देखो एक दो तीन ले लिए ना इसमें चार पांच छह और सात ले लिए एक किससे रिलेटेड है चार से दो किससे रिलेटेड है पांच से और तीन किससे रिलेटेड है छह से रिलेटेड है ना तो यहाँ पर आप देखिए कि एक एलिमेंट जो है आपको सात वो एक किसी एलिमेंट का इमेज है नहीं है तो इसलिए ये क्या होगा आपको इनटू फंक्शन होगा कौन फंक्शन होगा मतलब इसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा बचना चाहिए
जो वो ए के किसी एलिमेंट का इमेज नहीं ना हो। ये जो साथ है कि ए हो गया, इसके किसी एलिमेंट का इमेज है? नो सर, नहीं। बाद में कि चार किसका इमेज है? एक का। पांच किसका इमेज है? दो का। छह किसका इमेज है? तीन का। लेकिन ये जो सात है किसी का इमेज नहीं है, ये किसी का इमेज नहीं है। तो इसीलिए ये कौन से फंक्शन होंगे? इनटू। अब इनटू फंक्शन क्यों होंगे? देखो डेफिनेशन क्या है, रेंज एफ, एफ का रेंज, वो बी का क्या होगा? प्रॉपर सबसेट। क्या होगा? प्रॉपर सबसेट। तो देखिए जैसे हम रेंज हम लिख लेते हैं, एफ का रेंज क्या होगा बोलो तो? एफ का रेंज क्या सब हम लिखेंगे? चार पांच छ। क्या लिखेंगे? चार पांच छ। उसके बाद देखो कोडोमेन है ना, को डोमेन। तो कोडोमेन में क्या सब एलिमेंट आएगा? चार पांच सात। चार पांच सात। अब देखो ये रेंज का जो है प्रत्येक एलिमेंट कोडोमेन में है कि नहीं है? रेंज का प्रत्येक एलिमेंट कोडोमेन में है ना? देखिए रेंज आपको अब क्या हो गया? चार पांच छ। कोडोमेन क्या हो गया? चार पांच छ सात। देखिए चार है ना, पांच है ना, छ है ना। तो रेंज का प्रत्येक एलिमेंट इसको एलिमेंट बोलते हैं। चार को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट। हिंदी में अवयव कहते हैं, अवयव या सदस्य। तो चार कहते हैं, चार पांच छह तीनों को ना कहते हैं? चारों पांच छह को भी ना कहेंगे एलिमेंट? कौन चार पांच सर जी? चार को आप बोले चार को एलिमेंट कहते हैं? जितना मिडिल कोस्ट में है ना, सबको तो कहेंगे ही ना। ये कोनो नई बात है इसके लिए? नहीं ना, आप बोले क्या ये चार को एलिमेंट कहते? देखो चार पांच छह बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? एलिमेंट। एलिमेंट प्लूरल में लगेगा, करेगा सिंगल एलिमेंट ना होगा? सब एलिमेंट से नहीं जी। तो चार को हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट। समझ गया ना? चार पांच भी एलिमेंट हुआ, छह भी एलिमेंट हुआ, तो इसमें जितने भी रहेंगे सभी को हम क्या कहते हैं? सभी को हम एलिमेंट्स कहते हैं। प्लूरल कर देगा ना? देखो इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए जो रेंज है यह सबसेट किसके होगा? हो गया ना? तो डेफिनेशन तो वही ना जी, हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी को हम क्या कहते हैं? इनटू फंक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं? इनटू फंक्शन। कभी बोलेगा अभी? नो सर। अब बोलो एक हम एग्जांपल और लेते हैं, तुम लोग बोलो ये इनटू फंक्शन होगा कि नहीं होगा? सर लीजिए तो सर। ये एफ हो गया, ये ए, ये बी, ये ए बी सी, एक्स वाई जेड। ए एक्स से रिलेटेड है, बी वाई से, सी जेड से। तो बोलो ये इनटू फंक्शन होगा? नहीं। ये इनटू फंक्शन होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? बी में जो है कम से कम एक और एलिमेंट होना चाहिए, समझ गया ना? जो ए के किसी एलिमेंट का इमेज नहीं होना चाहिए था, लेकिन बी का सभी एलिमेंट क्या हो गया? बी का अगर सभी एलिमेंट इमेज हो गया तो इनटू फंक्शन? बी का अगर सभी एलिमेंट इमेज हो गया तो इनटू फंक्शन नहीं होगा? वन टू फंक्शन होगा जी सर। होगा ही, वन टू का परिभाषा है। बी का प्रत्येक एलिमेंट क्या हो? इमेज हो ना? बी का प्रत्येक एलिमेंट क्या हो? इमेज। यानी ये कि किसी न किसी एलिमेंट का क्या हो? इमेज हो। तो हम क्या कहते हैं? वन टू फंक्शन। वन टू इनटू में कोई खास अंतर नहीं है, वन वन टी ओ टू होता है ना जी, इनटू आई एन, सिर्फ ओ की जगह क्या हो जाता है? इनटू। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो समझ लो यदि बी का प्रत्येक एलिमेंट क्या हो? बी का प्रत्येक एलिमेंट ये कि किसी न किसी एलिमेंट का क्या हो? इमेज हो। तो उसे हम क्या कहते हैं? वन टू फंक्शन। उसे हम क्या कहते हैं? वन टू फंक्शन। और यदि बी में एक एलिमेंट ऐसा हो, बी में एक एलिमेंट कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए के किसी एलिमेंट का इमेज नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं? इनटू फंक्शन, जो अभी लिखा है, समझ गया ना? कम से कम मतलब एक से अधिक भी तो रह सकता है। कम से कम का मतलब क्या हो गया? एगो रहेगा ही। कम से कम मतलब एगो रहेगा ही, एक से अधिक, समझ गया ना? अगर हम कह देंगे कि कम से कम एगो आदमी इस रूम में रहेगा, कम से कम,
कम से कम एक आदमी इस रूम में रहेंगे तो समझ सकते हैं ना, एक से अधिक भी आ सकता है ना। हम्म, हम कह देंगे कि अधिक से अधिक एक और रह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा तो दो गो भी ले आएगा, नहीं ना, समझ गया ना। तो कम से कम एक कह रहा है तो एक गो तो रहना ही चाहिए, उससे जितना अधिक हो जाए कोई मतलब नहीं है। तो ये जो है आपको इनटू फंक्शन होगा नहीं होगा, फंक्शन होगा इसमें लिखोगे एफ इज नॉट इनटू फंक्शन। अच्छा, इसको देख के क्या एक चीज फैक्ट निकल के आया है बोलो तो, कौन चीज? कि जो फंक्शन वन टू होगा वो इनटू फंक्शन नहीं होगा, जो फंक्शन वन टू होगा वो इन टू नहीं होगा, और जो इन टू होगा वन टू नहीं होगा। बोलेगा अभी? नो सर। अच्छा, ये फंक्शन देखो तो वन वन होगा क्या सर? ये फंक्शन जी सर वन वन हो सकता है, ये वन वन भी हो सकता है, वन टू भी हो सकता है, लेकिन इन टू। अच्छा, ये फंक्शन कौन फंक्शन हो सकता है बोलो तो? इन टू फंक्शन। और वन वन होगा? फंक्शन नहीं होगा। वन वन क्यों नहीं होगा? एक का वन वन ना सर जी, वन टू फंक्शन नहीं होगा। तो हम पूछ क्या रहे हैं, क्या पूछ रहे? ये जो आपको क्या है वन वन होगा ये फंक्शन, वन वन मतलब एक का एक, एक का एक, एक एलिमेंट का एक इमेज, यानी एक का एक, एक का एक, देखो एक का एक हो गया ना, उसी को वन वन कहते हैं जी। एक का एक को हम क्या कहते हैं? वन वन। और दो का एक हो जाए तो हम क्या कहते हैं? मैनी वन, मैनी वन, मैनी वन, मैनी मैनी मतलब अनेक, मैनी मतलब अनेक, और वन मतलब एक, यानी अनेक का एक, अनेक का एक, तो उसे हम क्या कहते हैं? बहु एक फलन, मैनी वन। एक का एक हो तो उसे हम क्या कहते हैं? वन वन फंक्शन। देखो एक का एक है ना, तो ये फंक्शन आपको इनटू फंक्शन भी हुआ और वन वन फंक्शन भी, वन वन फंक्शन भी हुआ। मैनी वन फंक्शन होगा? नहीं होगा। मैनी वन का मतलब हो गया जैसे एक का एलिमेंट चार है तो दो का भी एलिमेंट क्या होना चाहिए था? यानी जो फंक्शन जो है आपको वन वन है वो मैनी वन नहीं होगा, जो मैनी वन है वो वन वन नहीं होगा। इसको उतार लीजिए।